क्रिकेट और स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारा वीडियो मैं आपके लिए अब तक बना चुका हूँ, और आज हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में बैड लाइट के बारे में। आपने तो बहुत बार देखे होंगे कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत बार ऐसा हुआ है, शाम में बहुत जल्दी मैच खत्म किया जा रहा है और ये डिसीजन ले रहे हैं अंपायर। अंपायर क्या करते हैं, एक डिवाइस से कुछ मेजर करते हैं, उसके बाद खेल स्टॉप कर देते हैं। वो डिवाइस है क्या, क्या कहते हैं उसे, आईसीसी के रूल बुक में इस डिवाइस को लेकर क्या रूल है, और इससे जुड़े तमाम जानकारियां आपको मैं देने वाला हूँ। तो मैं हूँ भास्कर और जुड़े रहिए मेरे साथ स्पोर्ट्स टाइम हिंदी पे, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। टेस्ट क्रिकेट में अगर ऐसा ऑकर होता है तो इसे बैड लाइट सिचुएशन कहा जाता है। इसके लिए अंपायर के पास एक डिवाइस रहता है, उस डिवाइस को कहा जाता है लाइटमीटर। लाइटमीटर का काम क्या है, लाइटमीटर का काम रहता है उस स्टेडियम में या उस ग्राउंड पे कितना लाइट है उसको मेजर करना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वो मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अंपायर को पिच के एक पार खड़ा रहना होता है, यानी जहाँ से अंपायरिंग करते हैं वो, और वहाँ से उल्टे साइड में जो साइड स्क्रीन है, यानी उनके सामने जो कीपर रहता है, कीपर के पीछे जो साइड स्क्रीन है, वहाँ पर वो लाइट मीटर पॉइंट करना होता है, और इसके बाद वहाँ पर रीडिंग आ जाता है। लाइट मीटर के पीछे रहता है एक सेंसर जो कि लाइट सेंस करता है, और सामने रहता है एक विंडो जहाँ पर वो मेजरमेंट का रीडिंग आता है। सबसे पहले जानते हैं ये लाइट मीटर कब यूज किया जाता है। अगर फील्डिंग टीम या फिर बैटिंग टीम या फिर अंपायर को जब लगेगा कि ग्राउंड में सफिशियंट लाइट नहीं है, तब वे ऐसा रीडिंग कर लेते हैं। प्लेयर्स को अगर लगता है तो अंपायर को कहना होता है, और अंपायर को लगता है तो अंपायर खुद ही कर सकते हैं। तो वहाँ पर रीडिंग कितना रहना चाहिए, आईसीसी कहता है मिनिमम रीडिंग 7.5 या उसके ऊपर रहना चाहिए। 7.5 यानी 7 या फिर 6.5 अगर होता है तो प्ले स्टॉप किया जाता है, बैड लाइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसको लेकर आईसीसी रूल बुक में क्या लिखा हुआ है, लॉ 3.6 में पॉइंट 1, 2, 3 और 4 में लिखा है कि आईसीसी इन लाइट मीटर को सप्लाई करेंगे डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल मैच में। सब मीटर को स्पेशली कैलिब्रेटेड रहना चाहिए और अंपायर को गाइडलाइन यूज करके ये यूज करना होगा, और ये जो लाइट मीटर है ये अंपायर को ही यूज करना होगा और ये डिसीजन अंपायर को ही लेना होगा। इसके साथ साथ लॉ 3.7 में लिखा हुआ है अगर नेचुरल लाइट डिटोरिएट करता है, यानी 7.5 के नीचे आ जाता है, तब अंपायर कह सकते हैं कि वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट लगाया जाए, और आर्टिफिशियल लाइट अगर नहीं होता है उस स्टेडियम में तो वहाँ पर ही बैड वेदर डिक्लेयर कर देना होगा। अभी ये जो लाइट मीटर होता है, लाइट मीटर कुछ कंपनियां बनाते हैं और कोई कंपनियां अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो अलग अलग कंपनियों के साथ एक मैनुअल आता है और वहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, और ये कंपनियां आईसीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, और आईसीसी को वे डाटा प्रोवाइड करते हैं कि हमारे मीटर में 7.5 के ऊपर जो है वो अच्छा लाइट है, 7.5 के नीचे जो है वो बैड लाइट करार दिया जा सकता है। कुछ ऐसे मीटर से वो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वहाँ पर रेडिंग 25 के ऊपर गुड लाइट और 25 के नीचे बैड लाइट डिक्लेयर किया जाता है। तो दोस्तों क्रिकेट और स्पोर्ट्स के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।